बस चले फिर, हम रेडी है, फुल पैसे दे के रहे ना सबको, तो भगवान जी साथ दे रहे हैं हमारा। बस जिस चीज का इंतजार था, बहुत मोटी हो गई हो, साजो सामान है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आपने देखा है आज हम पूरे रेडी हुए हैं, हम जा रहे हैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करने। और हमेशा की तरह कैमरे के पीछे मैं हूँ और मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है, बाहर बारिश है, थोड़ी देर पहले गर्मी थी और हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कब ये भैया हीरोइन तैयार हो और हम निकले। बस चले फिर, हम रेडी है, चलो। गाइस मेरी और मेरी फैमिली से बजा से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, ट्राई किया उसने। बजा से नहीं बेटा, की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भाई सबका लुक आप देख सकते हो, व्हाइट व्हाइट क्रीम क्रीम। आपका भी दिखा दो। हाँ मैं भी पीछे हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ। और अनुज पीछे है, अनुज की तबीयत खराब है फिर भी वो साथ जा रहा है। ये लो सर, ये लगा लो आप। भैया की राखी तो बहुत सारी है देखना, फुल पैसे दे के रहे हो ना सबको। जबरदस्त मौसम हो गया है और देखो हम निकले हैं सेलिब्रेट करने, तो बारिश भी रुक गई है। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश आ रही थी, पर जबरदस्त मौसम हो गया है, तो भगवान जी साथ दे रहे हैं हमारा। आपके बालों को क्या हुआ, उड़ रहे हैं सारे। जिस चीज का डर था वही हुआ है। सही बात है। गाइस ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुदरत से बड़ा कुछ नहीं है। हम घर से निकले, वहाँ बारिश है, और घर से 1 किलोमीटर आगे है और यहाँ बारिश नहीं है। देख लो पूरे रोड सूखे पड़े हैं। अभी हमें फोटो शूट करना होता है ना, तो हम सेम जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी वेडिंग हुई थी। और यहाँ पे आके ना हमें फोटो शूट करना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ हम फोटो शूट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस मौसम की तकनीकी खराबी के कारण सारा शूट कैंसिल हो गया है। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी 5-6 फोटो छोटी मोटी वीडियोस के बाद बारिश शुरू हो गई है। तो बस अभी घर पहुँचते हैं और जो 2-4 फोटोज या वीडियोस हमने की हैं वो अपना शेयर करते हैं। सुंदर लग रहा है चीकू, सबसे सुंदर चीकू। बच्चों में ना यही चीज होती है, बच्चे कुछ भी कपड़े पहने ना सबसे अलग लगते हैं, सबसे सुंदर लगते हैं। घर भैया फुल चमका दिया है आज पायल और गोलू ने जम के। तो आज मंदिर की भी बहुत अच्छी से सफाई की गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। तो बस अब शाम के 5:30 हो गए हैं, जोत बत्ती करती हूँ, उसके बाद फिर चेंज करते हैं, आराम से घर पे बैठते हैं। तो गाइस अभी आने वाले हैं किरण सहगल जो हमारे स्टाइल पार्टनर हैं। बस अभी स्टूडियो में है, कुछ नए ड्रेसेस लेके आई हैं। बस जिस चीज का इंतजार था, यानी कि किरण सहगल घर पहुँच गई है और ये एक मजेदार सी शर्ट है और मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बाकी पायल बताएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा है इन पे, और साथ में ये जो कॉर्नर इन्होंने बनाया है ना बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत ही सच में इसका स्टफ भी इतना प्यारा है गुड्डू। और मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ आपको ना ऐसे फुल स्लीव की शर्ट पहननी चाहिए, ज्यादा सूट करती है आप पे ना। और इसकी एक चीज, अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, किसी भी इवेंट पे जाते हो ना, अगर आप घर से रेडी होकर जा रहे हो तो आपकी शर्ट ना वो नहीं होगी, जैसे श्रिंक नहीं होगी, क्रश नहीं होगी, नहीं तो हमें दिक्कत रहती है कि कपड़े क्रश हो जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और भी अब वही पहन के दिखाता हूँ। तो चीक और मैंने पहना है मैचिंग, और ये भी किरण जी ने डिजाइन किया है, और ऐसे ही कलर मुझे पसंद है ज्यादातर। चीकू भी यही बोल रहा था, चटकीले भटकीले, चीकू भी यही बोल रहा था, मामा फंकी है बॉय। टाइट लग रही पैंट आपको, नीचे से टाइट लग रही है कि ऊपर से? अच्छा स्लीव टाइट हो गई थोड़ी ना, वैसे अच्छी लग रही है प्रिंटेड, बहुत न्यूज़पेपर प्रिंट है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये एक्चुअली स्टफ भी दूसरा है ना, हाँ स्टफ भी दूसरा है, इसलिए थोड़ा टाइट हो गया। ट्राउजर तो मेरे को बिल्कुल अच्छी फिटिंग आई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। टॉप मैंने अभी पहना नहीं है, सेम टॉप है मेरा भी, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट निकल रहा है ना। फिर क्या होगा, पेट तो निकलेगा बना भाई। पेट तो निकलने वाली चीज है। तो गाइस कोई भी डिजाइन कुछ भी हो, मैं किरण जी का नंबर डालूंगा, उनको व्हाट्सअप करना कि ये चाहिए, वही आपको मिल जाएगा, और भी बेहतरीन डिजाइन ये आपको भेज देंगे। तो एक बार इनसे जरूर कुछ ना कुछ, या फिर कुछ भी, मतलब ऑल इंडिया में कोई भी डिजाइन हो ये कर सकते हैं ना मैडम। राखी से चोट लग गई, राखी चुभ गई ना, ये वाली चांदी की राखी है ना, इसके आगे थोड़ा सा तीखा तीखा है तो चुभ गया। हटा देना, मना कर रहा है। हाँ, हटा दे बेटा और कुछ बांध ले, जरूरी थोड़ी है चोट के सामने। कह रहा राखी नहीं हटाऊंगा। अच्छा लग जाएगी चीकू। चलो मैंने बांध दी बैंडेज।
तो गाइज अब आपको हम हमेशा ना बहुत ही अच्छे स्टाइल में मिलने वाले हैं। मतलब काफी टाइम से ना हम लोग कुछ भी पहनते थे, पर अब जो भी पहनेंगे वो बहुत ही स्टाइलिश पहनेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे स्टाइल पार्टनर मिले, मिसेस किरण। तो ये है किरण सहगल। तो सहगल जी, कुछ कमेंट आ रहे थे या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना महंगा क्यों, इतना सस्ता क्यों, वो रीज़न आप बता दो थोड़ा सा। क्योंकि नॉर्मली लोग दूसरे साइट्स पर जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। सो बेसिकली मैं अपने फैब्रिक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, और क्वालिटी से भी। मतलब मैंने एक बात सुनी थी जब हम छोटे थे, तो मेरे घर वाले बोलते थे महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार 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 बार। ऐसा होता है जब हम ऑनलाइन साइट से कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो हम पिक्चर्स में कुछ और देखते हैं, और जो हमारे पास आता है ना तो कुछ और होता है, वो कपड़े में ही पूरा फर्क होता है। तो दिखाई कुछ और देता है और आता कुछ और है। तो इससे अच्छा है कि तुम ऑनलाइन छोड़ के तुम ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको जो दिखे वो मिले, और कुछ भी आप सिलवा सकते हो, कोई भी डिजाइन आप करवा सकते हो। तो किरण जी का मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी सब नीचे डालता हूँ बायो में, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे। तो यहाँ आ गया बहुत ही स्वादिष्ट डिनर जो की हरमान जी कर रहे हैं। सब्जी कैसी बनी है? मजेदार, नमक ज्यादा। नमक ज्यादा है एक्चुअली। क्या है ना, आप इस टाइम पे रोटी खाते नहीं हो, आज काफी टाइम बाद खा रहे हो। अब आप ये बालों को कटवाने के लिए इतना बोल रहे हैं, पर मैं इन्हें बोल रही हूँ मत कटवाओ। आप भी बताना प्लीज कमेंट करके। ठीक है, तो आप लोग ही कमेंट करना इनको बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लेके आयो? गन तोड़ दी इसने। पापा तोड़ दी थोड़ी सी, ये तो पूरा चूरम चूर कर दी जी को। अब थोड़ी ठीक होगी ये। अच्छी वीडियो बना दो आपकी जी। मैं कपड़े पहन रही हूँ मजेदार जी। मुझे मोटी मोटी सी लग रही है तू। मैं मोटी हो गई हूँ जी। मुझे लग रही थी हो गई हूँ मैं मोटी। चिकू पापा, सोना नहीं आपको? पापा मैं देश का झंडा बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ सोने के बाद। चलो ठीक है बेटा, घर का काम बनाओ, चल फिर रेडी हो जाए जल्दी से, फिर मैं बाद में बना नहीं पाता जी। होती हूँ। गोलू, इतनी सारी ड्रेस लेके आऊं, लाखों तू भी खड़ी हो जाओ, तेरी वीडियो बना दूं। ठीक है, खड़ी हो जाती हूं। देखो मैं तो पूरे ऐसे ढके ढके कपड़े पहनूंगी क्योंकि बहुत मोटी हो गई हूं। फिर क्या हो गया, मोटे के इंसान नहीं होते? तो देखती हूं। फिट लग रही है तू? फिट लग रही हूं। और क्या, मुझे लग रही मैं बहुत मोटी होती जा रही हूं। नहीं यार, तू ना 24 घंटे खुले कपड़े पहन दे। हमेशा मैं नाइट सूट में दिखती हूं ना आपको, इसलिए ज्यादातर। गाइस यहां पर मैंने लगा दिया है बहुत ही जबरदस्त वाला सेटअप। क्या है ये ड्रेस? मंगवाई थी मैंने, सोचा पहन लेती हूँ। सिर्फ घर पे पहनने की है? नहीं, बाहर पहनने की है। अच्छी नहीं है? तो लग रहा घर घर के सिर्फ ये क्या घर की ड्रेस लग रही है। अरे इसको ये, इनको ये निकाल के दिखा। तो गाइस यहाँ से शॉट लिया मैंने, यहाँ गैलरी का, और पायल बताई कैसी वीडियो बनेगी। वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है, पानी पानी हो गया, सारा पानी अंदर आ गया। कोई नहीं, बहुत दिनों बाद ही दोबारा मेहनत कर रहा हूँ कि अब इंस्टाग्राम दोबारा बूस्ट करना है, 10 मिलियन करना है गोलू का, 5 मिलियन करना है जल्दी से पायल का, और मैं तो फिर कैमरा मैन हूँ, कुछ भी बन जाए ठीक है। पापा हाँ जी, हाथ दिखा दो। ये क्या है? इसमें नहीं आएगी बेटा। तो किसमें? छोटी छोटी उंगली में आएगी चीकू। और हमने सेम कपड़े पहने, तो सजेशन के लिए मैंने चीकू को बिठा दिया कि तू बैठ जा, और यहाँ पे पायल के डायलॉग है, फिर पीछे से वहाँ से, मतलब हम पूरी टीम है, और देखना बताना आपको कैसी लगी। तो आजकल ना मैं डाइटिंग पर आ गई हूँ, तो डाइटिंग की वजह से ना शुगर फ्री पतीसा खा रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी है, बट मैंने तब भी थोड़ा सा ही खाया है। और ना इधर चीकू की फेवरेट काजू कतली है, जो कि चीकू को दूंगी, अभी वो डिनर कर रहा है। गाइस मैं निकल रहा हूँ अभी अपने स्टूडियो में, हमारे कपिल भाई है, उन्होंने स्टूडियो ओपन किया है, तो वहीं पे जा रहे हैं मैं और नितिन। आप भी चलोगे? चलो खाना खा लिया, आराम से बैठ के खाते हैं। चलो हाँ जी। क्या कर रही है? ये इसका कुछ चिपक गया था ना पे। वो उतार रहे, उतार दिया? नहीं, वो बहुत तेज खींचने वाला है ना, इससे दर्द हो रहा है। ध्यान से उतारो, चलो इधर आओ, आराम से उतारो। कैसे करोगे? हाँ उतारो, ये टेक केयर करके दिखाओ कैसे करोगे। इसकी टेक केयर तो बड़ी है, मम्मा इसको पकड़ के रखना। बेटा मैं उतार देती हूँ, छोटा है ना। एक मिनट रुको, जा ऐसे बिल्कुल प्यार से कि उसको दर्द भी नहीं हो। नहीं हो ना? अभी आप क्या हो? बच्चे? क्या हो? बच्चे। चलो फिर घर रहो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? ठीक है, छोड़ दूँ घर? ठीक है छोड़ दो। माँ मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, पापा कह रहे हैं। पापा चल। कहाँ जाएगा? क्या बोला इसको? पता कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मा जब तक मैं ना आऊँ ना, सोना मत। ठीक है इधर आजा, नहीं लेके नहीं जाऊंगा बिना पूछे, पानी में कूद रहा बीमार हो जाएगा। हमने निकाल ली है रेंगलर क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा है। चीकू बैठ गया है भैया आगे। गाइस मौसम की तकनीकी खराबी के कारण जाम लगा हुआ है इस टाइम, रात के 10:30 बजे हुए, पूरा रोड जाम है। हमने गाड़ी बैक कर लिया दूसरे रास्ते से जाने के लिए। पर क्या कहना चाहोगे बारिश के मौसम की वजह से? पापा बारिश का मौसम मुझे अभी नीचे जमीन देख रही थी कितने गहरी है, लेकिन कैंसिल हो गया। तो गाइस ये देखो, हमारी सोसाइटी के बाहर से लेके 4-5 किलोमीटर के एरिया में ये हाल है पानी का। देखो चारों तरफ ये हाल है, रवे लगा लो, शायद 1-2 घंटे बारिश हुई है,
और पानी देखो सड़क पे इतना ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नहीं तो डेढ़ डेढ़ फुट पानी हो गया, गाड़ी के जो टायर हैं वो आधे पानी में है। पापा, हाँ जी, इसमें वो डूब जाऊंगा? नहीं नहीं बेटा, आपके तो पांव थोड़े थोड़े गीले होंगे। अच्छा। फिर इन्फेक्शन हो जाएगा ना पानी में घूमोगे तो, नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, जाने का दिल कर रहे हैं? हाँ जी। कोई बात नहीं, घर नहा लियो। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम हमारे स्टूडियो में पहुंच गए हैं और यहाँ पर सारे चीज़ें हैं और साजो सामान है। परीक्षित भाई है, परीक्षित भाई हम क्या क्या कर सकते हैं बताना थोड़ा सा। हाँ जी, इसमें प्रोडक्शन होती है पूरी, मिक्सिंग मास्टरिंग होती है और डब भी कर सकते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। अनुज बेटे दो लाइनें गा, आ जा। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो कमी गाना आया था वो ही गाएगा अनुज। हो चोंदा जे तू यारा साडी निभ जानी सी, रोक लेंदा जे। कोई गाना हो जाए? गाना नहीं आता लेकिन वो आता है, लिरिक्स आता है। तो गाइस हमारे दोनों छोटे भाई हैं और नया नया प्रोडक्शन हाउस खोला इन्होंने म्यूजिक का। जितने लोग भी हैं जिनको म्यूजिक कराना है, वेब सीरीज का बैकग्राउंड साउंड कराना है, कुछ भी दादा बताओ क्या क्या। जो भी आपने कराना है, कोई साउंड प्रोडक्शन, कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन है, अरेंजमेंट है या बैक स्कोरिंग है, किसी भी टाइप का म्यूजिक से रिलेटेड काम, मिक्स मास्टरिंग सब कुछ हम करते हैं। तो भाई में कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इनको दोनों को जरूर तंग करें क्योंकि क्या ना आपकी सपोर्ट ही हमारी सपोर्ट है। क्या छुपा रहे हैं? पापा मम्मा के लिए सरप्राइज देने मम्मा को। हाँ जी, लव यू, लव यू टू पापा। तो पापा ने नंबर चेंज कर रखा है चीकू, मेरे पास नहीं है पुरानी सिम। मैं दूसरा नंबर चेक कर रही थी ना चीकू, वो फोन में कॉल किया था क्या तुमने? हाँ, दो कॉल किए थे। नहीं नहीं, वो मेरा दूसरे फोन में है। आपने कसम दिलवाई थी मुझे, सुना नहीं है? मेरे लिए लाया है। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।